हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी जायसवाल एक में टावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे निरक्षर स्थिति में विद्युत विधुरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट हमने देखा था कि अक्षय स्थिति में विधुरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षय स्थिति कैसे कि मान के हमने टाइपो लेके रखा था ए बी, उस टाइपो को क्या था उसी अक्षर के किसी पॉइंट पी पर हमने निकाली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम निकालेंगे कि हमारे पास ए बी टाइपो दिया हुआ है, इसी के परपेंडिकुलर किसी आर दूरी पर हमारे पास कोई पॉइंट पी दे दिया था जहां पर हमको फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निकालेंगे निरक्षर स्थिति में विद्युत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमने डायपोल बना के रखा है ए बी, एक डायपोल बनाया है ए बी, ए पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है एंड बी पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और आपको पता है कि दोनों डायपोल के बीच में डिस्टेंस है 2a। अब हमने क्या करा, इसी डायपोल के मिड पॉइंट मध्य बिंदु O से, इसी के डायपोल के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने कोई एक पॉइंट P लेके रखा है, ये हमने लेके रखा है P, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डायपोल है AB जिसपे A पे माइनस क्यू चार्ज है एंड B पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस है 2a। इसी के डायपोल के मध्य बिंदु O से r दूरी पर हमने कोई पॉइंट P लेके रखा है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या करा, A से P तक को मिलाया एंड B से P तक को मिलाया, और जैसे हम इसको आगे बढ़ाते तो हम क्या देखते हैं कि इसको आगे बढ़ाया तो हमारे पास एक डायरेक्शन आया ये और एक आया ये, इन दोनों का रिजल्टेंट है हमारे पास। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो P बिंदु है यहाँ से क्या बनाते हैं, थीटा कोण बनाता है, एक थीटा कोण हमने यहाँ से बनाया है एंड सेकंड थीटा कोण हमने यहाँ से बनाया। तो हम क्या देखते हैं कि जो बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो थीटा के कारण कोण के कारण कितने भागों में विभाजित होती है, दो भागों में। एक तो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वर्टिकल, इसको भी हमने P1y एंड इसका सेकंड काम कर जाएगा P2y एंड सेकंड इसको देखते हैं हॉरिजॉन्टल, जो हो जाएगा हमारे पास P1x एंड r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
वैल्यू टोटल को कितनी देखे रखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट कितनी आएगा हमारे पास क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट किस डायरेक्शन में निकाला है, बी से टी की ओर, तो इसको हमने शो कर दिया बी से टी की ओर। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, ये तो हम निकालेंगे प्लस के आवश्यकता, अब निकालेंगे माइनस के आवश्यकता, तो माइनस के आवश्यकता कितनी जाएगी माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी पी टू इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपान, यहाँ पे भी हमारे पास आर स्क्वायर और आर स्क्वायर पास का की दूरी चलती है ए से पी तक की दूरी चलती है, उसको अपन लिख सकते थे ए पी का स्क्वायर। और जैसे कि हमने पाइथागोरस इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहां से कहां तक की डायरेक्शन थी ए से पी तक की, तो हमने लिखा ए से पी तक, ये तो नॉर्मल लिखा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे उसी डायपोल के मिड पॉइंट ओ से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये पी बिंदु कितने भागों में विभाजित होता है, दो भागों में, एक तो होता है हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जिसको हमने लिखा पी साइन थीटा, एंड सेकंड होता है हमारे पास क्षैतिज घटक, सेकंड पॉइंट होता है हमारे पास क्षैतिज घटक जो क्या रहेगा हमारे पास ई कॉस थीटा। ओके, तो हम क्या देखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक में माइनस कितने भागों में होता है, दो भागों में, एक तो होता हमारे पास ई वन भाग एंड सेकंड होता हमारे पास ई टू भाग, क्योंकि इसको हमने क्या लिखा ओरिजिन लिखा और ओरिजिन के ऊपर वाली वैल्यू ई वन भाग एंड नीचे वाली जाएगी ई टू भाग। सेम इसी प्रकार से जो क्षैतिज घटक है वो क्या होना चाहिए, ए की दिशा में है कि ई वन एक्स एंड ई टू एक्स। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि दो भाग है हमारे पास, एक तो अपने पास ऊर्ध्वाधर घटक ई साइन थीटा एंड सेकंड अपने पास क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा। तो इसमें हम यहाँ पे क्या चीज नोट करते हो कि जो ऊर्ध्वाधर घटक दो वो क्या होना चाहिए कि परिमाण में तो बराबर है, ई वन भाग एंड ई टू भाग परिमाण में तो बराबर है, लेकिन दिशा में किसी जाते हैं अपोजिट होते हैं, ये लग रहा अपने पास ई वन भाग ऊपर की ओर, ओके, एंड सेकंड लग रहा हमारे पास ई टू भाग नीचे की ओर, तो ये परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण क्या होते हैं एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्षैतिज घटक, तो अपन क्या देखते हैं कि ई वन एक्स एंड ई टू एक्स दोनों क्या है एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास टोटल परिणाम बिंदु पी पर आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर आता है हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं कि बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा, या लिख सकते हो आप E1 x cos थीटा, एंड सेकंड लिखा अपन ने प्लस E2 x cos थीटा। ओके, अब हमारे पास E1 x भी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी, क्योंकि हम तो यहाँ पे क्या मतलब शो कर रहे हो x मतलब हॉरिजॉन्टल एंड y मतलब वर्टिकल, तो आप E1 x भी लिख सकते हो या फिर E1 E2 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा हमारे पास E1 cos theta एंड E2 cos theta। E1 की वैल्यू डायरेक्ट हम यहां से पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो हम क्या लिखते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos theta प्लस E2 की वैल्यू भी हमको दे के रखी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos theta। अब आप यहां पे एक चीज का नोट करते हो कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos theta एंड प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos theta, दोनों के कंपोनेंट इक्वल है, ओके, इसकी वैल्यू भी सेम है, इसकी वैल्यू भी सेम है, तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों के कंपोनेंट कितने हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस इसको हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos theta। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है, ओके, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो उसके वेरिएबल्स तो सेम रहेंगे लेकिन उसके नॉन जो कांस्टेंट वैल्यू होगी तो रहेगी जुड़ जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 2 cos theta। अब आप बोलते हैं कि cos theta, ओके, तो हम ऐसे cos theta की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आंसर
है समकोण त्रिभुज बी ओ पी में। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है अपने को, तो अपने लिखा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण। आधार आपको ये थीटा है, इसके सामने ने पूछा जाएगा अपने पास लंब, ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। तो आधार कितना दिख रहा है आपको, एक अपान। कर्ण कितना जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको दिया हमें इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या कर सकते हैं, इसको दिया हमें इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या कर सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है a अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, हमने लिखा समीकरण 3 से। समीकरण 3 के हमारे पास e इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्यों है, तो 2 तो हमने लिखा 2 r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ओके, ये जगह हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जगह हमारे पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन जैसे ही उसको सेपरेट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
तो हमने इसको क्या कर दिया, a स्क्वायर की वैल्यू कितना मान लिया 0, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 4। हम लिख सकते हैं समीकरण 4 से, हमने लिखा समीकरण 4 से क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 4 से e इक्वल टू 1/4πε0 के p / r स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि a स्क्वायर को हमने किस इसकी वैल्यू कितनी थी 0, और 0 को किसी में ऐड करेंगे तो 0 वही वैल्यू मिलेगी r स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितनी जाएगी e इक्वल टू 1/4πε0 p / r क्यूब। इसका रेट क्या चाहिए, न्यूटन / कूलम, मतलब हमने क्या करा किसी डायपोल को, कोई डायपोल लेके रखा पहले ए बी, जब भी हम उसके से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे कोई p बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर सकते, तो कितनी होती है हमारे पास e इक्वल टू 1/4πε0 के p / r क्यूब न्यूटन / कूलम। जहां पे k क्या होता है, मीडियम परावर्तित माध्यम में रखा है, तो हम फाइनल निकाल में k की वैल्यू कितनी रख देते, 1 रख देते, तो हमारे पास ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e इक्वल टू 1/4πε0 p / r क्यूब कितनी जाएगी, न्यूटन / कूलम। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी e इक्वल टू 1/4πε0 p / r क्यूब न्यूटन / कूलम। यह था हमारे पास निरक्षित स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आप इसको नोट करो और इसको पूरा एंड तक देखो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता, आप इसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अगर आपको आगे की और वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को आगे और सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।